हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल CHO वंदना वर्मा। यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम जानेंगे ई कवच ऐप पर CHO द्वारा कैसे स्क्रीनिंग की जाती है। जो NCT की स्क्रीनिंग वो CHO कैसे करते हैं। पहले हम CHO का था वो NCD ऐप में इसमें स्क्रीनिंग करते थे और उस पर फीडिंग करते थे। अभी 1 मंथ से अब हो गया है ई कवच ऐप में। तो आज हम जानेंगे जो सीबैक फॉर्म आशा अपनी ई कवच ऐप से फिल करती है उसके बाद में वो CHO पे दिखने लगते हैं। तो CHO कैसे उसको स्क्रीनिंग करके आगे उसको कंप्लीट करते हैं, प्रॉपर तरीके से उनकी स्क्रीनिंग कैसे करते हैं। तो चलिए, मैंने खोल लिया डैशबोर्ड। अब हम जानेंगे कि हमें किस ऑप्शन में जाना है। तो गैर संचारी रोगों की स्क्रीनिंग ये नीचे लिखा हुआ है, हमें इस पर क्लिक करना है। फिर हमें उसके गांव का चयन करना है। मैंने एक आशा का ले लिया है और उस आशा लक्ष्मी आशा का ले लिया है। अब हम नेक्स्ट करेंगे। ये जो रेड दिखाई दे रहा है इसका मतलब आशा द्वारा अभी ये सीबैक फॉर्म कम्प्लीट नहीं किए गए हैं। तो हम देखेंगे कितने आशा ने कि ये जो आपको ग्रे कलर में दिखाई दे रहे हैं ये आशा द्वारा सीबैक कंप्लीट कर दिए गए हैं। तो इनका कलर ऐसा हो गया है। अब हम करेंगे एक पेशेंट का स्क्रीनिंग। तो ये मैंने एक धीरज का खोल लिया है। अब इस पर मैं क्लिक करती हूँ। क्लिक करने के बाद में सीबैक फॉर्म पहले से भरा जा चुका है। क्या आप सीबैक का विवरण देखना चाहते हैं? अगर देखना चाहते हैं तो हाँ, नहीं देखना चाहते हैं तो नहीं, नहीं में क्लिक करके आगे हो जाएंगे। सेवा देने की तिथि, मैंने किस डेट में सेवा दी है? तो मैंने आज 23 तारीख में दी है। उसकी हाइट कितनी है? तो मैंने ये नोट कर लिया है। अब मैं फटाफट से भर देती हूँ। उसका वजन कितना है? व्यक्तिगत परिचय, कभी उच्च रक्तचाप के लिए उपचार किया गया, मतलब उसको BP का है? नहीं। कभी मधुमेह के लिए उपचार किया गया? नहीं। कभी हृदय रोग का निदान किया गया? नहीं। कभी स्ट्रोक के लिए उपचार किया गया? नहीं। कभी गुर्दे की विफलता के लिए उपचार किया गया? नहीं। कभी ना भरने वाले घाव के लिए उपचार किया गया? नहीं। COPD के लिए उपचार किया गया? नहीं। अस्थमा के लिए? नहीं। मुंह में कैंसर का उपचार किया गया? नहीं। अन्य? नहीं। ये हम इतना करके इसका नॉर्मल सा जो परिचय था उसको हम करते हैं सबमिट। उसके बाद में फॉर्म पूरा हो गया है, हम जमा करेंगे। अब ये दी गई सेवा का प्रकार, जो हम लोग सेवा देते हैं, BP, शुगर, कैंसर, मुंह का कैंसर, COPD, अगर महिला है तो उस पर ब्रेस्ट का देखेंगे, वजाइनल का मतलब जो एग्जामिनेशन होता है वो इसमें ऐड हो जाता है। तो ये है फीमेल का। मैं करती हूँ आज की डेट पे जांच की तिथि, ये है इसका सेस्टोलिक BP डाल देती हूँ 128/81। पल्स रेट कितनी है? 81। उसके बाद मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी, मैं डेटा को दर्ज करना चाहती हूँ। तो ये आपको टिक दिखाई दे रहा है, ये बीपी की जांच हो गई। अब मधुमेह की जांच, शुगर की, आज की डेट पे इसका रैंडम ब्लड शुगर है 108। तो मैं इसको करते, पहले कभी मधुमेह डायबिटीज़ का उपचार कराया? हाँ कराया। तो ठीक है, वर्तमान में उपचार चल रहा है? नहीं। तो हम अभी इसको नहीं करेंगे, डाटा को हम सबमिट करते हैं। मुंह के कैंसर की स्क्रीनिंग में हमें मुंह में ये देखना होता है कि कहीं अल्सर तो नहीं है, काफ़ी दिन से उसको मुहामा तो नहीं हो गया है, उसके मुंह की अच्छे से क्लीनिंग होती है। मुझे उसको प्रॉपर बताना है माउथ हाइजीन के बारे में, जिससे हमें मतलब प्रॉपर तरीके साफ रहे, कैंसर जैसे बीमारी से हम बचा सकें। इसलिए हम उसके मुंह की जांच करते हैं। सफ़ेद चकत्ते, लाल चकत्ते, कोई गैर उपचार घाव, गांठ में किसी प्रकार की वृद्धि, रेफरल नहीं। मैं डेटा को सबमिट करना चाहती हूँ। अब आ गया ये सीबैक को नहीं। अब ये COPD स्क्रीनिंग, मतलब उसको सांस लेने की दिक्कत तो नहीं, ये लंग से रिलेटेड बीमारी होती है जिसमें उसको कोई दिक्कत तो नहीं है, केवल कठोर व्यायाम के साथ सांस फूलने की तकलीफ, पिशफनिया,
पेशनियाँ, जल्दी जल्दी कार्य करने, हल्की सी चढ़ाई करने पे सांस फूलने की तकलीफ, मतलब ऐसा कुछ होता तो आप इस पे कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं, तो व्यायाम के टाइम पे ये नॉर्मल सी चीज़ें हैं। जब हम व्यायाम करते हैं तो हमारा जो सांस है बहुत लंबा लंबा खींचता है, हम इसलिए इसको इसी में क्लिक करेंगे। तो COPD का इसको 0 है। अब इसको भी मैं सबमिट करूँगी। सबमिट करने के बाद में मैं गई धीरज पे। अब मैंने इसकी स्क्रीनिंग सारी कर दी। अब इसको हम करेंगे पैक। पैक करने के बाद में मैं जाऊँगी आज की ये कार्य की स्थिति, और आप ये भी देख सकते हैं आज के कार्य का विवरण। तो मैं जाऊँगी पहले स्विंग करूँगी। स्विंग करने के बाद में मैं जाऊँगी कार्य की स्थिति। तो ये देखिए धीरज का मैंने किया है, तो ये ऊपर धीरज का दिखाई दे रहा है। तो ये है, आप लोगों ने सीखा CHO द्वारा कैसे ई कवच में स्क्रीनिंग की जाती है, NCT को कैसे हमें स्क्रीनिंग करना है। अभी कुछ CHO को इसके बारे में नहीं पता थी, तो प्लीज़ आप लोग ये वीडियो देखें, आप लोगों के लिए यूज़फुल होगा और आप लोगों की हेल्प भी हो जाएगी। थैंक यू, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।